ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अजमेर जिले के किशनगंज थाना पुलिस ने मादक पदार्थ बेचते हुए पति पत्नी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दोनों लोगों को माल सहित पकड़ा गया है। ये दोनों पति पत्नी जनाना हॉस्पिटल की ओर जा रहे थे। पुलिस ने एसपी के निर्देश पर नाकाबंदी कर दोनों को गिरफ्तार किया। आइए देखते हैं संवाददाता देवीलाल सोनी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें पुलिस थाना किशनगंज द्वारा कार्रवाई करते हुए 974 ग्राम लगभग 1 किलो चरस जब्त की है। और इसमें दो व्यक्ति हैं, इसमें एक पति पत्नी हैं दोनों आपस में, और जिनका नाम है मोहम्मद कासिम जो कि अंदरकोट दरगाह का रहने वाला है, और उसकी पत्नी है आलिया, पत्नी मोहम्मद कासिम, उस दोनों को हमने राउंड अप किया और अरेस्ट किया है। इन दोनों के कब्जे से 974 ग्राम चरस बरामद की है। अजमेर जिले में बारिश के मौसम को देखकर प्रशासन द्वारा अना सागर के दोनों गेट खोल दिए गए, जिसके चलते आसपास के क्षेत्रों में पानी भर गया है। गेट खोलने से सागर की भराव क्षमता के कम किया जा रहा है, जिससे बारिश होने पर कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। आज आना सागर के चैनल गेटों को खोलने का प्रशासन के निर्देशानुसार प्रोग्राम है, क्योंकि ये जो है झील अपनी पूर्ण भराव क्षमता 13 फुट पर आ चुकी है। इसका पूर्ण भराव क्षमता इसकी 247.64 MCFT है, और अब इसको 11 फुट 6 इंच के ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि अब आगे भी मानसून चल रहा है। अभी मानसून का पूरा सीजन पड़ा है, 7 और 8 ये अभी मानसून की चेतावनी है। तो ये जो सागर विहार, वैशाली नगर और निचली बस्तियां हैं, यहाँ पे पानी जल प्लावन की और आम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, तो उससे पहले अपन इसको गेट को खोल के पानी की निकासी करेंगे, ताकि सुरक्षित रूप से पानी इसमें भर सके